गुजाली नंबर चार कैसे चला है कैसे नहीं चल चल जाए कैसे करके चला टैलेंट कोई नहीं दिस ना सिखा सभी व्यूअर जुड़ते रहिए हमारे साथ। ये एक अच्छा मैच आपको देखने को, पिछला मैच आपने देखा एक रोमांचक मुकाबले में ढगांव ने जीत हासिल की, और ये भी एक बड़ा मैच है। खावल मिस्टर कपिल आए हैं और उनके साथ हैं मिस्टर प्रवीण, दोनों ही है ये भाई भाई। देखते हैं अब अपनी टीम के लिए क्या करते हैं। पिछला मैच खावल ने एक तरफा जीता था, मिस्टर कपिल ने बनाया अपनी टीम के लिए 65 रन, और इस मैच में देखते हैं क्या कर पाते हैं। दोनों भाई आए हैं सलामी बल्लेबाजी करने। अरे शानदार एफर्ट था वहां पर, बहुत ही शानदार एफर्ट था, बहुत शानदार एफर्ट किया था वहां पर, और थोड़ा सा ढीले रह गए, अन्यथा कपिल के रूप में पहला झटका लग सकता था। फ्लिक करना चाहते थे, सीधा ही गेंद गई। जो शॉर्ट मिड विकेट है उसको फाइन लग स्क्वायर लग कह सकते हैं हम, सॉरी सीधे हाथों में गया था। जीवन दान मिल चुका है मिस्टर कपिल को। पंकज जी पूछ रहे हैं कौन खेल रहा है, खावल खेल रहा है पहले, मिस्टर प्रदीप छोटे से कद के खिलाड़ी, लेकिन विकेट कीपर चूके और एम्पायर का इशारा बाई के रूप में चार रन। स्कोर बोर्ड पर स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन, मिस्टर प्रदीप शंगार मुश्किल से 4 फुट का कद है इनका, लेकिन गेंद करते हैं बहुत बढ़िया, अच्छी गेंद और ये बोल्ट कर दिया है। मैं पहले भी कह चुका हूं आपको, छोटे कद के हैं लेकिन इरादे इनके हैं बहुत बड़े। पहला झटका मिस्टर प्रवीण बिना खाता खोले पवेलियन, ये है मिस्टर प्रदीप शंगार। मैं पहले कह चुका हूं आपको बहुत अच्छे गेंदबाज है, 5 रनों पर लगने वाला ये पहला झटका। विक्रम चौहान जी आप ही हमारी स्ट्रीम से जुड़े हैं, आप ही मैच देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यंग स्पोर्ट्स क्लब चढ़गांव द्वारा आयोजित ये प्रतियोगिता, स्कोर बोर्ड बोला इस प्रतियोगिता सेकंड राउंड चल रहा है यहाँ पर। मेरे पास अपना स्कोर बोर्ड, मैं जाऊंगा
फिर पता लगेगा ना मेरे को, मेरे को पता ही नहीं लगेगा, सुना ही देते यार। पंकज केदार जी पिछले आउट, कौन हुआ आउट हुए हैं? मिस्टर प्रवीण कपिल के भाई है ये। अब आए हैं मिस्टर लकी, बैकफुट पॉइंट पे खेला आसानी से, एक रन दौड़ करके पूरा करेंगे, स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन। यार कहाँ है तूने चुगो में? अरे आओ, नहीं नहीं सारा चलेगा, नहीं नहीं परे से बोलने दो, फिर यार डबल आवाज आएगी। ऑलरेडी आप जो अंदर परे आप स्कोर टाइम पर ऊपर जाने को लगाते रहो उस हिसाब से। एक बार फिर से फ्लिक किया है, फाइनल के क्षेत्र में ओवर, दो रन लेने का कोई अवसर नहीं, पहले ओवर से 6 रन। हैप्पी नेगी जी कह रहे हैं अंपायर आप पेंट में ए मिस्टर काकी है ये। प्रवेश कमटियान जी भी जुड़े हैं हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अच्छा मैच देखने को मिलेगा आप सभी व्यूवर्स को, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए समय समय पर, और स्ट्रीम को शेयर करते रहिए ताकि आपके जो मित्र है वो भी इस मैच का आनंद ले सके। सेकंड राउंड जो चले हैं अच्छे मैचेस होने की है संभावना यहाँ पे। और बॉलिंग करने आए मिस्टर अजय और सामने है मिस्टर लकी। मिस्टर लकी के बारे में बता दूं, ये भी एक अच्छे खिलाड़ी है, बहुत अच्छे बल्लेबाज भी है और गेंदबाजी में तो इनका अपना नाम। मिस्टर लकी सामना कर रहे हैं ऑफ स्टंप के बाहर, थोड़ी सी शॉर्ट गेंद उसको कट करना चाहते थे। बसंत डुगरान नहीं है, निशांत जी कह रहे हैं दिखाई नहीं दे रहे हैं, नहीं तो वो ओपन करने आते थे शायद डगआउट में यदि बैठे हो गए तो। देखते हैं शॉर्ट गेंद इस बार लेग स्टंप के बाहर, स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन। लेग स्टंप के बाहर वाइड बॉल, इस बार फिर से गेंद सीधे बल्ले से खेला, एक और रन। मनिंदर सिंह जी कह रहे हैं ना शायद नहीं है, हो सकता है ऐसा। मिस्टर अजय हमसे दूर जाते हुए ये गेंद उसको खेल दिया है फाइनल क्षेत्र में, गेंद जा रही है सिर्फ 4 रनों के लिए। शानदार चौका, सत्य प्रकाश जी भी जुड़े हैं हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं, हमारे स्ट्रीम को शेयर करते रहिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, समय समय पर आपको हम अपने मैचेस दिखा सके, बहुत अच्छे अच्छे से मैचेस होने वाले हैं इसके बाद। टाइगर क्लब डी एक बार फिर से खेला है फाइनल के क्षेत्र में, मिस्टर प्रदीप में था 1 रन लेने का, स्कोर पारी का चलता हुआ दूसरा ओवर। मिस्टर अजय लंबे कद के खिलाड़ी है ये, शॉर्ट गेंद इसको खेल दिया है सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए, पहला चौका मिस्टर लकी के बल्ले से, अच्छा शॉट, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन।
चल रहा है उसका फायदा उठाना चाहते हैं दोनों बल्लेबाज और उसको सतारा रन। बहुत ही शानदार बॉलिंग हुई है अभी तक पुजारी की तरफ से, कोई बड़े शॉट खेलने का ज्यादा चांस नहीं दिया है, मौका दिया है खाबल के। बल्लेबाजों को वेस्ट खाबल, लेकिन आप कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, पूछ रहे हैं आप कहां हैं, हमें तो मालूम नहीं था। अच्छी गेंद इस बार, ओवर सतारा रन दो ओवर की समाप्ति के बाद। खाबल का और उसका थोड़ा सा दबाव भी नजर आ रहा है कि मात्र सतारा रन है दो ओवर में। एन के दिष्टा जी कह रहे हैं फंस के आ रहा है मैच, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इश्यूज है शायद, मुझे लग रहा है बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि मैं अपनी स्क्रीन पर देख रहा हूं, जो मेरे पास एक और यहां पे फोन है जिसपे मैं देख रहा हूं उसमें थोड़ा सा रुक रुक के आ रहा है और अब सही चल रहा है शायद, यदि सही चल रहा हो तो कृपया, अभी भी कुछ इसमें टेक्निकल इश्यूज है शायद, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बसंत जी कह रहे हैं हम सोलन में हैं, अजय कशवाल जी भी जुड़े हैं आपके हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और ये गेंद बिल्कुल गई है हवा में और ये 6 रन, कपिल के बल्ले से निकलने वाला ये पहला छक्का। अच्छी गेंद की थी मिस्टर प्रदीप शंकर ने, लेकिन गेंद गई सीमा रेखा के बाद 6 रनों के लिए। एक बार फिर से शॉट गेंद मिड विकेट के ऊपर से 6 रन, ये चल पड़ा है मिस्टर कपिल का बल्ला। उनतीस रन हो चुके हैं, अजय कशवाल जी जुड़े हैं हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, आप एक अच्छे खिलाड़ी है अपनी टीम के लिए और एक उतने अच्छे एक इंसान भी है, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हुए। एक और रन मिलेगा, स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन। बहुत बढ़िया मैचेस आपको आज देखने को मिलेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए आज पूरा दिन। मिस्टर प्रदीप एक बार फिर से उसको खेलना चाहते थे लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, मिस्टर लकी। मिस्टर कपिल और मिस्टर लकी दोनों ही अच्छे बल्लेबाज है। मिस्टर लकी गेंदबाजी भी बहुत बढ़िया करते हैं, देखते हैं क्या कर पाते हैं मिस्टर प्रदीप। एक गेंद इस बार आउट, लपेटना चाहते थे जिसको हम कहते हैं, लेकिन स्लोअर गेंद थी और अब जाना पड़ेगा पवेलियन मिस्टर लकी को। सरविंदर रंजन जी पूछ रहे डिस्वानी का मैच कब है,
बिस्वानी की दोनों टीमों के मैच आज है, इसके बाद दोनों टीमों के मैचेज होने वाले हैं। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और स्ट्रीम को शेयर करिए। आपको आज डिस्वानी का मैच बिल्कुल दिखाया गया। ये डिस्वानी एक बहुत बढ़िया टीम है, दावेदार भी कह सकते हैं हम इस सीरीज में, जिस तरह का उनका प्रदर्शन रहा है। एस सी टिकरवान जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। हमारे स्ट्रीम को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए ताकि हम समय समय पर आपको दिखा सके। पीवी श्रृंगार जिसको स्लोअर के लिए जाना जाता है, एक और विकेट दिला दिया अपनी टीम के लिए। बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहा है ये गेंदबाज। अब नए बल्लेबाज आए हैं मिस्टर पवन, ये भी है मिस्टर कपिल के बड़े भाई। स्कोर अभी भी 30 रन, तीसरा ओवर प्रगति पर। अच्छी गेंद उसको सम्मान देते हुए मिस्टर पवन, और ओवर की हुई है समाप्ति, तीन ओवर की समाप्ति, स्कोर है 30 रन। चौथा ओवर लेकर के कौन से बल्लेबाज आते हैं, गेंदबाज आते हैं सॉरी, देखते हैं। अभी तक शानदार गेंदबाजी की है पुजाली की टीम ने, बांध के रखा है खाबल के बल्लेबाजों को। पहली गेंद उसको सम्मान दिया कपिल ने। एक बार फिर से मिस्टर राजे सामने हैं। अच्छी गेंद उसको मिड विकेट के क्षेत्र में खेल दिया है, एक रन मिलेगा। लक्ष्यम के बाहर, रनआउट का खतरा हो सकता था लेकिन एक और रन लेने में कामयाब हुए। स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन। फिर से शॉट गेंद उसको स्क्वायर लेग की तरफ खेल दिया है, एक रन के लिए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 रन। अभी तक बांध करके रखा है खाबल के बल्लेबाजों को।
देखते हैं मिस्टर कपिल और मिस्टर पवन क्या कर पाते अपनी टीम के लिए। एक बार फिर से सीधे बल्ले से खेला, बिल्कुल बॉलर के पास, रन लेने का कोई मौका नहीं। अभी भी स्कोर 34। बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है अभी तक अगर उजारली की दृष्टि से देखा जाए तो। ऐसे खतरा हो सकता है लेकिन वहां पे कोई खिलाड़ी नहीं था। ओवर की समाप्ति और समय हुआ है ड्रिंक्स का। चार ओवर की समाप्ति के बाद मात्र 34 रन। और जो पिछला मैच हमने देखा था चार ओवर में जो गांवसारी का स्कोर था वो था 27 रन, और उसके बाद जिस तरह की बल्लेबाजी की थी और स्कोर पहुंचाया था 100 के पार। अब उसी तरह की उम्मीद करते हैं खाबल की टीम से कि क्या कर पाते हैं ये 100 का आंकड़ा पार, या फिर पुजाली के गेंदबाज इन पर भारी पड़ेंगे। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है अभी तक पुजारली के गेंदबाजों ने, अपने दोनों ही प्रमुख गेंदबाजों के दो दो ओवर करवा दिए हैं। और बहुत बढ़िया रणनीति के साथ मैं कह सकता हूं कि एक आधा और विकेट गिर जाता है खाबल पवन के रूम में तो मुश्किल में आ सकती थी खाबल की टीम, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शायद यही उनके मन में हुआ होगा कि अपने दोनों ही जो सलामी इनके अच्छे गेंदबाज हैं उनको अपना कोटे के दोनों ओवर डलवा दिए गए हैं, और अगले चार ओवर जब कौन करेगा ये देखना दिलचस्प रहेगा। बहुत बढ़िया दोनों ने गेंदबाजी की, दोनों ने 24 गेंदों पे मात्र 34 रन खर्च किए हैं। अब है मिस्टर सतीश और सामने है मिस्टर कपिल। ड्रिंक्स के बाद का मैच अब ड्रिंक्स के बाद शुरू हो चुका है। मिस्टर कपिल स्ट्राइक पर 10 नंबर की जर्सी पहने हुए, और इनकी जर्सी ही दर्शाती है कि ये सीनियर खिलाड़ी अपनी टीम के और एक परिपक्व खिलाड़ी है, अच्छे खिलाड़ी है। अब आए हैं मिस्टर सतीश, अब देखना ये है कि क्या कर पाते हैं कपिल। और ये खेल दिया है मिड विकेट के क्षेत्र में, एक रन के साथ नॉन स्ट्राइक गेंद पर आएंगे मिस्टर कपिल और स्ट्राइक पर आएंगे मिस्टर पवन। बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं ये गेंदबाज, अभी सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, उतने हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। उल्टोस गेंद इस बार फाइन लेग पर, खिलाड़ी बहुत तेज, एम्पायर का इशारा अभी तक आया नहीं है, और अच्छी गेंद, एक और डॉट बॉल। मिस्टर पवन, अच्छी गेंद और गेंद आई है बिल्कुल हाथों में, एक और झटका, बहुत बड़ा झटका हम उसको कह सकते हैं। पूरा मिडल नहीं कर पाए शायद इस गेंद को, आगे फेंका गया था गेंद उसको लॉन्ग ऑन के ऊपर से, 6 रन के लिए खेलना चाहते थे लेकिन बैट पे संपर्क सही नहीं हुआ और वहां पर बिल्कुल फील्डर के हाथों में। एक और झटका, मिस्टर दीपक शर्मा ने एक अच्छा कैच वहां पर पकड़ा है। मिस्टर दीपक शर्मा ये अच्छे खिलाड़ी थे अपने समय में, लेकिन अब सरकारी डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ये तो समय नहीं मिलता है। और ये अच्छा शॉट खेला है, बिल्कुल फिर वहीं पर खिलाड़ी है एक बार फिर से मिस्टर दीपक।
अच्छा फील्ड किया, एक रन का इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन। भूपेंद्र सिंह जी कह रहे हैं बॉलर का नाम, ये है हमारे सतीश भाई। फुल टॉस गेंद, फुल टॉस भी नहीं कह सकते, यॉर्क लेंथ पर गेंद थी, बहुत बढ़िया स्लोअर गेंद, चकमा दिया मिस्टर कपिल को। बहुत बढ़िया गेंद। और ये सीधे पड़ी, लेकिन बन जाएंगे दर्शक, एक और चौका। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 रन, ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद 40 रन। गेंदबाजी, पांच ओवर की समाप्ति, स्कोर है 40 रन। स्कोर बहुत अच्छी, गेंदबाजी कर रहे हैं पुजारली के खिलाड़ी। लग नहीं रहा था एक समय में कि ये इस तरह से बांध के रखेंगे खाबल की टीम को, क्योंकि पुजारली इतनी बड़ी टीम नहीं है, लेकिन खाबल एक अच्छी टीम है। फिर भी जिस तरह की गेंदबाजी की है, काबिले तारीफ। और ये खेल दिया है 6 रनों के लिए मिस्टर कपिल ने। मिस्टर कपिल बड़े बड़े सूझबूझ के साथ कह रहे हैं, परिपक्व खिलाड़ी है अपनी टीम के लिए, इस समय इनको खड़े रहने की आवश्यकता है, स्कोर बोर्ड तो बढ़ता रहेगा। मिस्टर टिंकू आए हैं 11 नंबर की जर्सी पहने हुए, सामने है 10 नंबर की जर्सी पहने हुए मिस्टर कपिल, 10 और 11, देखते हैं क्या कर पाते हैं मिस्टर कपिल। एक और छक्का जड़ चुके हैं, अब देखते हैं अगली गेंद में क्या कर पाते हैं। और ये जोरदार अपील और स्टंप आउट, बहुत बड़ा झटका लगा है अभी ये। बहुत बड़ा झटका, मिस्टर कपिल वापस जाएंगे पवेलियन, अब बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब है मिस्टर अनिरुद्ध, ये भी है अपनी टीम के हार्दिक पांड्या, ऑलराउंडर प्रदर्शन करते हैं और 5 या 6 नंबर पर बल्लेबाजी करने आते हैं और बड़े लंबे लंबे हिट लगाते हैं। इनकी जो रीच है बल्ले की वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, और इनके रेंज में अगर गेंद आई तो जाएगी तारामंडल में।
बहुत बढ़िया है ये ऑलराउंडर, अभी यंग है, देखते हैं क्या कर पाते हैं। मैंने पहले ही कहा था आपको इनके रेंज में गेंद नहीं करनी पड़ेगी। ये बहुत बढ़िया बल्लेबाज है भाई, 53 रन हो चुके हैं अनिरुद्ध, देखते हैं क्या करते हैं अगली गेंद पे। बहुत बढ़िया है ये खिलाड़ी, समान दिया और छक्का लगाने के बाद समान दिया गेंद को। छह ओवर की हुई है समाप्ति, स्कोर है 53 रन। है जो यहाँ 53 रन। मिस्टर अनिरुद्ध अब है नए बल्लेबाज और ये गेंद गई है बहुत दूर, 6 रन। अब चौके और छक्कों से हो रही है बात। एक बार फिर से सतीश हमसे दूर जाते हुए, ये गेंद फिर से लेग स्टंप के बाहर और ये जोर, नॉट आउट, निश्चित तौर पर नॉट आउट हो गए। पहले स्टंप्स को गिरा दिया था विकेट कीपर ने, आसानी के साथ आउट हो सकते थे अनिरुद्ध। स्कोर बढ़ता हुआ 60 रन। अब आए हैं मिस्टर अनिरुद्ध, ये बहुत लंबे छक्के लगाता है ये बल्लेबाज, लेकिन बल्लेबाजी करता है 6 नंबर या 7 नंबर पे। ऑलराउंडर के रूप में खेलते हैं अपनी टीम में। अच्छी गेंद इस बार, फिर लेग स्टंप के बाहर, एक और एक्स्ट्रा के रूप में मिलेगा रन, लेकिन एक और ओवर थ्रो, देखते हैं टोटल कितने रन मिलेंगे इस गेंद पर। रन मिलेंगे 2, 63 रन। लगवाई का इशारा, 63 रन 7 ओवर प्रगति पर, बाकी की 8-10 गेंदों पर कम से कम 20 रन बनाने होंगे तब जाके आप सम्मानजनक स्थिति में पहुंचेंगे, क्योंकि पुजारली के पास भी अच्छे अच्छे बल्लेबाज है। मिस्टर अनिरुद्ध को इनकी रीच से बाहर रखना होगा आपको गेंद को, अन्यथा ये फिर पहुंचा देंगे बाउंड्री लाइन के बाहर। 64 64 रन, 7वां ओवर चल रहा है पारी का। मिस्टर सतीश देखते हैं, अब नए बल्लेबाज है, एक छक्का लगा चुके हैं ये भी, सीधे बल्ले से 4 रन। बिल्कुल सीधे बल्ले से स्टेट ऑफ द बॉलर खेला, स्कोर बढ़ता हुआ 68 रन, पारी का चलता हुआ ये 7वां ओवर। अच्छे बल्लेबाजी कर रहे हैं, अंतिम के ओवर्स में आए हैं बल्लेबाजी करने, लेकिन बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय। आगे किया गेंद, फिर वही खेला, इस बार फील्डर पहले ही वहां पर तैनात थे, एक मात्र रन मिलेगा।
अभी 100 ओवर की गेंदें बची है। अब सामने आए हैं मिस्टर अनिरुद्ध, देखते हैं क्या कर पाते हैं। एक बार फिर से और ये आउट, शॉर्ट बॉल थी, उसको सही से कनेक्ट नहीं कर पाए। एक और झटका, 69 रन हुए हैं। हेमराज आए हैं बल्लेबाजी करने। आठवां ओवर चल रहा है, देखते हैं कौन लेकर के आता है। आठवां ओवर अंतिम ओवर है, मात्र 6 गेंदे बची। 6 गेंदों में खाबल चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा स्कोर बोर्ड पर हम रन करें, और वहीं दूसरी तरफ पुजारली चाहेगा कि हम लास्ट ओवर को डॉट करने की कोशिश करें, 5 या 6 रन पर इसको समाप्त करें। बाकी समय के घर में छुपाए, देखते हैं अगले 6 बोले में क्या होता है। व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं इस समय, और इससे पहले जो एक शानदार मैच रहा था उसमें 80 प्लस हो गए थे। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे स्ट्रीम को शेयर करते रहिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। हम आपको समय समय पर अच्छे मैचेस दिखाएंगे। अच्छी गेंद, इस बार रन लेना चाहते थे लेकिन कोई रन नहीं मिला। अब 2-3 बड़े हिट खेलने होंगे यदि आपको 80 के आसपास जाना है, लेकिन इस समय तो शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं पुजारली के खिलाड़ी। लग नहीं रहा था कि इस तरह की गेंदबाजी करेंगे। शॉर्ट गेंद, इस बार एक और डॉट बॉल। मिस्टर टिंकू फिर शॉट गेंद, फिर डॉट बॉल। 3 गेंदे अंतिम ओवर में डॉट हो चुकी है। ये क्रिकेट है, इसमें कुछ भी संभव हो सकता है। अगली 3 गेंदों पर देखते हैं क्या कर पाते हैं खावल के बल्लेबाज। अच्छी गेंद, इस वो सीधे बल्ले से खेला है, रन मात्र मिलेगा 1। 70 रन, अब गेंदे बची है मात्र 2। अब आए हैं मिस्टर हेमराज, 2 गेंदे बची है, देखते हैं क्या कर पाते हैं। अब तो बल्ला घुमाएंगे, एक और डॉट। अब अंतिम गेंद में यदि छक्का भी आता है तो 76 होगा हाईएस्ट, लेकिन बांध के रखा है भाई। फिर से डॉट बॉल, मात्र इस ओवर से आया है 1 रन। 71 रन बनाने हैं अब पुरजाली की टीम को। अब सेकंड इनिंग में मिलते हैं आपको, 2 मिनट का ब्रेक लेंगे। Ну, мы начали говорить, что мы можем поставить его. Поехали же.
ढाई सौ में ले ये क्या बोलते हैं डोंट कंज्यूम मोर देन 500 ml पर डे आप क्या चार्ज है 5 ml 500 ml ढाई सौ ml की उन्होंने क्या बोला एक ही फूल के सारे मैच करवाने फिर ये कैंसर सब बोला क्या अलग अलग कर रहे हैं सबको बुलाओ अपना मेरे को तो पता तू भाई विश्वाणी क्या है हमारे पुल टाइगर क्लब में रखी चिलाड़ा मारे ग्रुप में नहीं है फिर कैंसल करा अलग अलग फूल है हमारे साथ कहाँ है यार विश्वाणी कहाँ है हमारे पुल में टाइगर क्लब कहाँ है हमारे पुल में सब रे पुल से बुलाई है टीम हेलो 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 सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से स्वागत करते हुए और खावल और पुजाली के बीच दूसरी इनिंग शुरू हो चुकी है। खावल के गेंदबाज बिल्कुल तैयार है अपने बॉलिंग मार्क पर और फील्डर भी बिल्कुल तैयार है। उपेंद्र शंगार और सुभाष बिटियान जी आए हैं बल्लेबाजी करने। मैच शुरू होने वाला है बस कुछ ही मिनटों में। सुभाष लिप्पा जी के नाम से इनको जानते हैं और बल्लेबाजी करने आए हैं। ये बहुत बढ़िया बल्लेबाज है।
अपने समय में इनका यहाँ इलाके में नाम चलता था, लेकिन आज भी एक अच्छे बल्लेबाज है, ऐसी बात नहीं है, और एक अच्छे इंसान भी है, हमेशा एक स्पोर्ट्समैन जो स्पिरिट होती है उसको प्रदर्शित करते हैं खेल मैदान के अंदर। सुभाष लिपा जी बहुत बढ़िया बल्लेबाज है, अब काफी समय के बाद खेल रहे होंगे, तो अब जिस तरह की बल्लेबाजी अपने समय में करते थे शायद अब ना कर पाए। फिर भी दूसरी टीम पर इनका बहुत बड़ा प्रेशर रहता है कि बड़े खिलाड़ी है, स्कोर बोर्ड पर स्कोर भी कुछ इतना ज्यादा नहीं है, मात्र 70 रन बनाए खाबल ने, और अब देखते हैं यहां पर एक टीम 63 रन पर भी जीत गई, डिपेंड कर दिया था टीम ने, और एक रोमांचक मुकाबला और हुआ था जिसमें 57 रन अंतिम ओवर की अंतिम गेंद पर वो भी वाइड बॉल कर बैठा था गेंदबाज। ऐसे टूर्नामेंट मैचेस यहां पर देखने को मिले हैं, तो ये 70 रन है, अब देखते हैं कि 70 रन का पीछा करते हुए कैसे खेलती है। पुजारली की टीम, सभी व्यूअर जुड़ते रहिए, बहुत शानदार मैच होने वाला है ये। पुजारली के पास अच्छे अच्छे बल्लेबाज है, मैं आपको बता दूं सुभाष लिप्पा जी अभी स्ट्राइक लेंगे, और उनके साथ है उपी शंगार के नाम से हम जानते हैं इनको, 47 नंबर की जर्सी पहने, और सामने कपिल, पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर, बाई के रूम में मिलेगा पहला चौका। चार रन, पहली गेंद गई है बाइक के रूम में मिलने वाला ये पहला चौका, वापसी करनी होगी, इस तरह के अतिरिक्त रन नहीं देने होंगे यदि आपने इतना कम डिपेंड करना है। अच्छा शॉट, एक रन लेने में कामयाब, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन, गेंदे हुई है मात्र 2। मिस्टर कपिल 10 नंबर की जर्सी पहने हुए अच्छे गेंदबाज है, देखते हैं क्या कर पाते हैं। फिर से खेला है उसको फाइन लेग के क्षेत्र में, फील्डर है पीछे लेकिन बन जाएंगे दर्शक, एक और चौका, 9 रन। अपनी जो गति है, गति का इस्तेमाल कर रहे हैं इस समय तो बल्लेबाज, मात्र बल्ले पर गेंद लगनी चाहिए, देखते हैं अगली गेंद में क्या कर पाते हैं। फिर से कवर के क्षेत्र में खेला है, रन आउट का खतरा और आउट, पहला झटका सुभाष लिपा, कोई भी गेंद नहीं खेली और वापस पवेलियन, ये बहुत बड़ा झटका, ये नहीं करना चाहिए था, 9 रन आ चुके हैं 3 गेंदों में, इस तरह के जोखिम लेने की जरूरत नहीं थी आपको, और ये बहुत बड़ा झटका, रन आउट, ये क्या कर बैठे, 9 रन आ चुके थे पहली 2 गेंदों पे, तो इस तरह की
बल्लेबाजी सॉरी इस तरह के जोखिम लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी और अब आपका सबसे बड़ा खिलाड़ी बैठ चुका है डगआउट में। इन्होंने मात्र एक गेंद का सामना किया है और एक रन बनाया और वापस पवेलियन में। अब है मिस्टर बिजू, 9 रन हो चुके स्कोरबोर्ड पर और एक अच्छा खिलाड़ी चला गया है पवेलियन। अच्छी गेंद, फिर से फ्लिक कर दिया है उसको, फुल टॉस गेंद थी। 10 रन, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे। तीन गेंदों में 9 रन भी आ चुके थे। इस तरह का जोखिम भरा रन लेने की आवश्यकता नहीं थी। पॉइंट के क्षेत्र में बिल्कुल तैनात थे मिस्टर लक्की और एक अच्छा थ्रो और विकेट गंवा बैठे मिस्टर कपिल। अच्छी गेंद इस बार, बहुत बढ़िया गेंद, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। एक बार फिर से मिस्टर कपिल, पावर प्ले चल रहा है। अच्छी गेंद इस बार, फिर से बहुत तेजी के साथ फेंका था गेंद, विकेट कीपर के दस्तानों से भी छिटक गया था गेंद। पहले ओवर की समाप्ति पर 10 रन और एक बहुमूल्य विकेट गंवा चुके हैं पुजाली की टीम रन आउट के रूप में, जिसकी आवश्यकता भी नहीं थी। इस तरह का जोखिम भरा रन नहीं लेना चाहिए था वहां पर, क्योंकि 9 रन आ चुके हैं आपके तीन गेंदों पर और जोखिम लिया और उसका खमियाजा भी वहां पर भुगतना पड़ा। अब आया है मिस्टर लकी, क्या अपनी टीम के लिए हो सकते हैं ये लकी। ये भी अच्छे गेंदबाज है, ये अच्छी गेंद करते हैं। इनके पास स्लोअर बहुत बड़ा हथियार है इनके पास, इनको खेलना किसी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होगा। इनके पास गति बहुत है, इनको समझना बहुत मुश्किल होता है। मैंने आपको पहले कहा है ये बहुत तेज गेंदबाज है, तेजी के साथ गेंद डालते हैं और उसी एक्शन के साथ जो एक स्लोअर डालते हैं वो इनके पास बहुत बड़ा हथियार है, उसको समझना बहुत मुश्किल होगा। मिस्टर लकी बल्लेबाजी में कुछ खास नहीं कर पाए थे, अब गेंदबाजी में अपनी टीम को वापसी करा सकते हैं, ये देखना होगा बाकी। ये है अच्छी गेंद, अच्छी गेंद है। मैं पहले कह चुका हूं इस गेंदबाज के कंधों में बहुत जान है, ये लगता नहीं है कि गेंद इतनी तेजी से आएगी और जब गेंद टपा पड़ने के बाद आती है वो बहुत तेजी के साथ आती है। और मैं आपको बता रहा हूं कि और स्लोअर गेंद बहुत अच्छी करते हैं, इसी एक्शन पे डालते हैं स्लो गेंद। ये देखिए इनके कंधे में जान है और एक और झटका लग सकता है और एक और झटका रन आउट। किस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं, सर्कल के अंदर खिलाड़ी खाबल के बहुत चुस्त लग रहे हैं। इस समय नॉन स्ट्राइक एंड पर थ्रो किया था, एक और झटका, इन झटकों से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा पुजाली की टीम को, अब बहुत मुश्किल हो जाएगा। 10 रन पर लगता हुआ ये दूसरा झटका, शानदार गेंदबाज इस बार अपने कंधों का इस्तेमाल किया था, इन्होंने दिखाया कि हमारे कंधे में बहुत जान है, लगभग बल्लेबाज के कंधे तक छूती हुई गई थी गेंद, शानदार गेंदबाज। अभी तक बल्ले से मुझे नहीं लगता इन्होंने कोई रन दिया है। थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं,
मिस्टर लकी ओवर की चौथी गेंद लेकर के स्कोरबोर्ड पर स्कोर है मात्र 10 रन। अब ऑफ टेम्प पर दो स्लिप लिया है, तीन कह सकते हैं आप, तीन स्लिप लिया है और इसका मतलब ऑफ टेम्प पर शॉर्ट बॉल आने वाली है। इस बार गेंद में उतना उछाल नहीं था और जिस तरह से मैंने यहां से कहा कि तीन स्लिप लगाई है ऑफ टेम्प पर, बिल्कुल तेजी के साथ गेंद करने के मूड में है मिस्टर लक्की, ताकि एज लेती हुई जाएगी एक दो तीन। ये टेस्ट मैच वाली फील्ड है, तीन स्लिप लिया है और उसी हिसाब से कर रहे हैं गेंदबाजी। बहुत बढ़िया डॉट बॉल, लगभग मेडन ओवर हो रहा है इनका, इनको समझना बहुत मुश्किल है, ये बहुत तेज गेंद करते हैं। अब देखना होगा अगली गेंद क्या करते हैं। फिर से अच्छी गेंद, एक और रन आउट हो सकता था लेकिन और रन आउट का खतरा, एक रन मिला, ओवर की हुई है समाप्ति, स्कोर बोर्ड पर स्कोर है 11 रन। क्या रन हुए हैं, शानदार बल्ले रन दिया अपनी इस ओवर में। एक बार फिर से मिस्टर कपिल बैक टू बैक ओवर कर रहे हैं क्योंकि रन ज्यादा नहीं है बोर्ड पे, तो अपने जो गेंदबाज है वो शुरुआत में ही दबाव डालना चाहते हैं दूसरी टीम पर। दूसरा ओवर लेकर गए हैं मिस्टर कपिल, डॉट बॉल के साथ शुरुआत की है अगली गेंद लेकर के हमसे दूर जाते हुए, फुल टॉस गेंद 4 रनों के लिए, फुल टॉस गेंद थी, मिड विकेट के क्षेत्र में खिलाड़ी था लेकिन गेंद उछल करके उनके सर के ऊपर से निकल गई 4 रनों के लिए। एक बार फिर से मिस्टर कपिल, फिर फुल टॉस गेंद, अच्छी फील्डिंग कवर पे, रन लेने का कोई अवसर नहीं क्योंकि पहले ही दो विकेट गंवा चुके हैं रन आउट के रूप में, तो अब जोखिम नहीं लेंगे मिस्टर टिंकू। अच्छे बल्लेबाज है ये, सीधे बल्ले से खेलते हैं मिस्टर कपिल, अच्छी गेंद, समान दिया उस गेंद को, रन लेने का कोई अवसर नहीं, स्कोर अभी भी 15 रन। मिस्टर कपिल एक चौका खाने के बाद वापसी कर रहे हैं, अच्छी गेंद कर रहे हैं, ऑफ और मिडल का इन्होंने जो अपना लाइन पकड़ के रखी है और एक खिलाड़ी अब लिया है स्क्वायर लेग पर, स्क्वायर लेग कह सकते हैं, फाइन लेग ऑलरेडी ले चुके हैं, कहने का इनका मतलब है कि गेंद होगी अब पैरों पर
और इस बार सीधे बल्ले से खेल दिया है। मात्र एक रन मिलेगा, स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन। समय समय पर फील्ड में बदली कर रहे हैं मिस्टर कपिल। अब जो स्क्वायर लेग का खिलाड़ी था उसको बुला दिया है सर्कल के अंदर और कवर को भेज दिया है बिल्कुल बाउंड्री लाइन के सामने। एक और झटका, उपी शंगार एक आसान सा कैच दे बैठे। तीसरा झटका, अब हम सभी व्यूअर्स के कमेंट लेते हैं। अंकु बंटा जी कह रहे हैं खावल का स्कोर कम है, देखते हैं डिपेंड कर सकते हैं या नहीं। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन इस समय तो स्थिति बिल्कुल खाबल के पक्ष में है। 16 रनों पर तीन विकेट गंवा चुके हैं। ERBMB कह रहे हैं पुजारली जीतेगा, ये तो समय बताएगा। नहीं होगा डिफेंड कह रहे हैं, तो देखते हैं। लेकिन इस समय तो स्थिति बिल्कुल खाबल के पक्ष में है। पागल वर्ल्ड प्लीज ब्रॉडकास्ट नेक्स्ट मैच इज फॉर टाइगर डिसवानी एंड शंभू 11। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम बिल्कुल ब्रॉडकास्ट करेंगे, बिल्कुल आपको दिखाएंगे मैच, आपकी भावनाओं का कदर करेंगे। और बसंत दुरान जी कह रहे हैं होप सो खावल ही जीतेगा, आपकी कमी खल रही है, बाकी देखते हैं। तीन ओवर में मात्र स्कोर है 16 रन। अजय ठाकुर जी कह रहे हैं, अजय ठाकुर भी जुड़े हैं हमारे साथ और वो भी मैच का आनंद ले रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, तो आपका धन्यवाद करते हैं। नेक्स्ट मैच किसका है? सरविंदर रजन जी पूछ रहे हैं। शंभू 11 का मैच है जी, इस बार सीधे बल्ले से खेला, एक रन से संतुष्ट, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन। मिस्टर लकी, मिस्टर लकी बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी अपने, पहले ओवर में मात्र एक रन खर्च किया था और दूसरा ओवर लेकर के आए हैं। बहुत बढ़िया गेंदबाज है ये। और फील्ड की आपको मैं बात करूं तो विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप लिया है, एक पॉइंट है, एक खिलाड़ी है पॉइंट पर, एक कवर, एक है स्क्वायर लेग और एक मिड विकेट लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर और एक डीप कवर बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर। प्रिंस माल्टू जी पूछ रहे हैं कि रॉयल वैली क्वास का सेकंड राउंड कब है, ये जानकारी हम आपको शाम को इसी पेज के माध्यम से देंगे कि आपका मैच कब है। MCB चिलाड़ा और शंभू 11 इसके बाद भिड़ेंगे। एक बार फिर से खेला है, सामने फील्डर है, रन मिलेगा मात्र एक। सरविंदर रंजन जी पूछ रहे हैं किसके साथ है शंभू का, तो चिलाला के साथ है। वीरेंद्र लटवान जी कह रहे हैं ओवर कितने हुए भाई साहब, ये चौथा ओवर चल रहा है जी, स्कोर हुआ है 18 रन। मिस्टर लकी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और मिस्टर टिंकू है सामने। चौथा ओवर चल रहा है इस समय, 18 रन हुए हैं। जय शंकर जी कह रहे पुजारी जी जाएगा, बिल्कुल भाई साहब, अब देखते हैं। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन पुजारली ने भी प्रभावित किया है सभी को। लग नहीं रहा था एक समय कि इस तरह की गेंदबाजी करेंगे और जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, मात्र 70 रन पर समेटा
काबल की टीम को, तो अच्छी टीम है ऐसी बात नहीं है, लेकिन काफ़ी समय के बाद खेल रहे हैं, थोड़ी सी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, आपसी तालमेल नहीं बन पा रहा है उनका, जिस तरह से उनके रनआउट के रूम में दो विकेट गंवाए हैं। और आपकी भावना की कदर करते हुए अविनाश ठाकुर जी जुड़े हैं हमारे साथ, आप भी हमारे क्लब के सदस्य हैं, और ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चार रनों के लिए, 22 रन। अविनाश ठाकुर जी आप भी हमारे क्लब के सदस्य हैं, लेकिन इस समय आप बॉर्डर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, आप इतने दूर होकर के भी हमारे मैचेस को लाइव देख रहे हैं, और साथ ही साथ आप देश के लिए भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत मिस्टर अविनाश राजू। बहुत बढ़िया है, ये भी वॉलीबॉल के खिलाड़ी और उतना अच्छा क्रिकेट भी खेलते हैं मिस्टर अविनाश राजू जी। सुनील जी कह रहे हैं लकी भाई, बिल्कुल लकी भाई अभी इस समय अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, एक चौका आया है मात्र, ये गेंद अच्छी गेंद, एक बार फिर हो सकता है रनआउट का खतरा, और ये नॉट आउट। डीकू मेहता जी कह रहे हैं खाबल ही जीतेगा, ये समय बताएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। 24 रन है चार ओवर में मात्र, अविनाश जी पूछ रहे हैं फर्स्ट मैच कौन जीता, यंग स्पोर्ट्स क्लब चिड़गांव जीता है, 10 था बिना किसी नुकसान के वो मैच जीत गए थे यंग स्पोर्ट्स क्लब। विनोद हैप्पी सिंह जी जुड़े हमारे साथ, कंवर साहब आपका भी स्वागत करते हैं, हमारे स्ट्रीम को करिए शेयर, आप रोज करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आज भी करिए, आज बहुत अच्छे अच्छे मैचेस यहां पे देखने को मिलेंगे, सभी व्यूअर्स हमारे साथ लगातार जुड़े रहे। 24 गेंदों में 24 रन बनाए हैं पुजारली ने, और समय है स्ट्रेटजी टाइम आउट। इसको 3 दिन से बोल रहा हूँ, जो अपना वो दे दिया चार्ज करने के लिए, देता ही नहीं, क्या करना, अब तो शटर होने वाला है, अब ना हो गया मैच, अब लगाना पड़ेगा घंटे चार दिन में, 3 दिन से बोल रहा हूँ, लाल है और ड्रिंक्स के बाद फिर से मैच शुरू होने जा रहा है। डीकू मेहता जी कह रहे हैं आउट है जी सर, ये तो एम्पायर का डिसीजन है, एम्पायर क्या देखते हैं क्या निर्णय लेते हैं, हम आप तो सिर्फ यहां से प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि आउट है या नॉट आउट। शानदार गेंदबाजी हुई अभी तक, लेकिन बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे डायरेक्ट, लेकिन क्या बोलते हैं कि
Who will come in the crease? When he is crossing the popping crease. और ये स्ट्रेटजी टाइम आउट के बाद मैच शुरू होता हुआ। काबुल ने अपने तीसरे गेंदबाज का इस्तेमाल की, ये शानदार गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंद। इस बार बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। स्कोर अभी भी 24 रन है, 24 गेंदों में 24 रन तो इन्होंने बना लिए भाई। एक बार फिर से अच्छी गेंद, लेग स्टंप के बाहर वाइड का इशारा, दो रन मिलेंगे, 26 रन। एक्स्ट्रा पर कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि आपको रन ऑफ बॉल की ही आवश्यकता है, 7 रन 8 रन चाहिए। फुल टॉस 6 रनों के लिए। फुल टॉस गेंद और 6 रन, ये नहीं करना पड़ेगा आपको। बहुत बढ़िया बल्लेबाज है मिस्टर टिंकू, गलत बॉल को उसकी सही दशा कर रहे हैं और सही दिशा में फेंक रहे हैं। एक बार फिर से काबल की गेंदबाजी, फिर से नो बॉल, रे हिट। वॉर्न किया है उनको एम्पायर ने, बीमर गेंद थी, पहला वार्निंग दिया है। अब देखते हैं अगर दूसरी बार इस तरह की गलती करते हैं तो मुझे लगता है नियमों के हिसाब से आप गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे, ये नियम है क्रिकेट के। अगर आप एक ओवर में दो बीमर, बीमर का मतलब है कि आप बल्लेबाज को हिट करना चाहते हैं, उनको टारगेट करना चाहते हैं, तो ये नियम है कि अगर आप दो बार किसी, वो चाहे आप गलती से करते हैं या फिर करते हैं जानबूझकर, आपको मात्र दो, एक गेंद, दो गेंद ऐसी फेंकने की अनुमति है और अगली बार आपको बाहर जाना पड़ेगा। एक और रन का इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन। बहुत बढ़िया इस समय मैच चल रहा है, ये अच्छी गेंद, इस बार इसी टप्पे पर इनको गेंदबाजी करनी चाहिए मेरे हिसाब से। स्कोर है 34 रन और ये पारी का चलता हुआ 5वां ओवर। अभी भी इनको 37 रनों की आवश्यकता है। ये बहुत बढ़िया गेंद थी, 5वां ओवर चल रहा है, स्कोर बोर्ड पर 34 रन, 37 रनों की और आवश्यकता है, गेंदें बची है मात्र 20। फिर फुल टॉस गेंद, 5 रन आ गए हैं इस बॉल पे, 39। कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश कर रहा है ये गेंदबाज। बहुत बढ़िया, स्कोर बोर्ड पर स्कोर है, जिस तरह से इस तरह से तो लग रहा है कि पुरजारली आराम से जीत की तरफ चले जाएगी। इस बार कवर पे खेल दिया है, रन देखते हैं कितने मिलते हैं। एक रन मिलेगा, दूसरा रन लेना चाहते थे, एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। स्कोर 40 रन, ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद 40 रन, 18 गेंदे 31 रन।
31 रन। हाँ मिस्टर पवन आए हैं, ये अपने अनुभव का है। ये बहुत बढ़िया ऑप्शन ले आया वहां पर खाबल ने। बेशक इनके पास गति नहीं है लेकिन अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। बहुत शानदार मैच होने वाला है, ये सभी व्यूअर्स जुड़ते रहिए हमारे साथ। रोमांचक मूड में पहुंच चुका है इस समय ये मैच। 18 गेंदे 31 रन। अब देखना यह है मिस्टर पवन क्या वापसी करवाते हैं अपनी टीम को। बहुत बढ़िया मैच आज के दिन मिस्टर पवन लेग स्टंप के बाहर वाइड का इशारा। अब चाहिए 30 रन। इस ओवर पर मैच निर्भर है। एक बार फिर से मिस्टर पवन हमसे दूर जाते हुए। अच्छी गेंद उसको खेल दिया है फाइन लेग के क्षेत्र में, जानबूझ के खेला है 4 रनों के लिए। 45 बहुत बढ़िया शॉट खेला है, ये क्रिकेटिंग शॉट है, ये क्रिकेटिंग शॉट खेला इन्होंने। देखा कि वहां पर कोई फील्डर नहीं है, उसका पूरा फायदा उठाया, जानबूझ करके खेला गया शॉट। एक और चौका लगता हुआ मिस्टर पवन फिर से लेग स्टंप के बाहर, फिर से वाइड का इशारा। अच्छी गेंद नहीं कह सकते आप, लेग स्टंप के बाहर कर रहे हैं गेंद, फिर से पॉइंट पे खेल दिया है उसको, एक रन मिलेगा मात्र। अब देखते हैं, अब कॉन्टेस्ट जो है देखने वाला बनेगा क्योंकि सामने है मिस्टर टीम को, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 2 छक्के जड़ चुके हैं। बहुत ही शानदार मैच होने वाला है ये, सभी व्यूअर जुड़ते रहिए हमारे साथ। 83 लोग जुड़े हैं अभी हमारे साथ। स्ट्रीम को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिस्टर पवन काबल की तरफ से और ये 6 रनों के लिए शानदार छक्का। 53। अब मैच पुजारली के तरफ झुक गया है। वाइड बॉल और चौका। आप पूरा का पूरा मैच, यह है क्रिकेट की खूबसूरती। फिर अच्छी गेंद, बहुत शानदार बल्लेबाजी की मिस्टर टिंकू ने। ये उलट फेर हम कह सकते हैं हो गया है इस समय, लेकिन ये क्रिकेट है, कुछ भी संभव हो सकता है इसमें। फिर से अच्छी गेंद, वापसी की है गेंदबाज ने। एक बार फिर से मिस्टर पवन, देखते हैं क्या करते हैं मिस्टर टिंकू। अच्छी गेंद, ओवर की समाप्ति।
12 गेंदे 13 रन। साढ़े 6 रन बनाने हैं पर ओवर। मिस्टर अनिरुद्ध आए हैं, ये बहुत तेज गेंदबाज है अनिरुद्ध। 12 गेंदे 13 रन। बहुत लंबा रन है पहन का और अच्छी गेंद भी करते हैं ये। बहुत अच्छी गेंद, शॉर्ट गेंद थी, उसको पुल करना चाहते थे। बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। बहुत बढ़िया गेंदबाज है ये, देखते हैं क्या कर पाते हैं अगली बॉल लेकर के। बहुत लंबा रन, फिर से अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर, बहुत बढ़िया। हम पहले कह चुके हैं कि मुझे तो जो निर्णय लिया है कप्तान ने, क्या सोच के लिया है पिछले ओवर में, मुझे तो इस गेंदबाज पर भरोसा था, लेकिन हमारे भरोसा करने से कोई फायदा नहीं, कप्तान की सोच अलग है। अब देखते हैं, दो बॉले खा डॉट हो चुकी है तो प्रेशर एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अब रन चाहिए 12, गेंदे बची है मात्र 9। 9 गेंदे 12 रन। मिस्टर अनिरुद्ध निश्चित तौर पर अंतिम ओवर तक ये मैच जाने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छी गति के साथ गेंद करते हैं, यदि शॉर्ट पे गेंद भी करेंगे, पिक ना हो पाए तो मिड विकेट पे खिलाड़ी इन्होंने रखा है तैनात, लेकिन ये 4 रन। अब मात्र चाहिए 9 रन। बासठ रन हो चुके हैं। सॉरी 8 रन चाहिए। अब 88 लोग जुड़े हमारे साथ। अब देखते हैं मिस्टर अनिरुद्ध, फिर अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद। अब 7 गेंदों पे चाहिए 8 रन, और ये तो निश्चित है कि अब गेंद मैच जो है अंतिम ओवर तक जाने वाला है। 97 व्यूअर जुड़े हैं, 100 जुड़ेंगे तो आपके लिए कुछ खास करने वाले हैं यहां से दर्शकों के लिए, जो हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स है 97 हो चुके हैं। और ये गेंद हवा में है, खिलाड़ी है नीचे, एक और कैच ड्रॉप, ये बहुत बड़ा कैच है। 8 रनों की आवश्यकता है, अब 8 रनों की आवश्यकता है। अब केवल 7 रनों की आवश्यकता, सॉरी 98 व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, हम आपको बता रहे हैं कि, और ये 100 व्यूअर्स जुड़े हैं हमारे साथ इस मैच में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप हमारे इस लाइव स्ट्रीम को शेयर करते रहिए। 100 व्यूअर्स, ये दूसरा समय है, दूसरा टाइम है जब
100 प्लस हुआ था। इससे पहले भी एक बहुत बड़ा मैच हुआ था खशादार और जिताटा, जिसपे 250 के आसपास व्यूअर्स जुड़े थे हमारे साथ, और 100 व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं। दिल थाम के बैठे आप, 6 गेंदे 7 रन, बहुत बढ़िया ये मैच, बहुत ही रोमांचक मुकाबला, 102 बहुत बढ़िया, 64 रन। और यहां पर हम अपना कैमरा नहीं घुमा पा रहे हैं क्योंकि दर्शक भी इस समय यहां पर जितने हमारे व्यूअर्स है उसे 4 गुना ज्यादा हमारे यहां पर सड़कों में बैठे हैं और लेंटर्स के ऊपर बैठे हैं और यहां हमारे सामने बिल्कुल भी बैठे हैं। बहुत बढ़िया, अब ये रोमांचक मोड में है मुकाबला, अब देखते हैं क्या कर पाते हैं। 6 गेंदे 7 रन, बहुत बढ़िया मैच, 4 रनों के लिए गेंद फाइन लेग बाउंड्री के बाहर। अब मैच में बची है मात्र औपचारिकताएं, अकेले दम पर इस बल्लेबाज ने जिता दिया है ये मैच लगभग। अब 3 रनों की आवश्यकता है 5 गेंदों में। फुलटॉस और 6 रन, इसी के साथ पुजारली ने मैच जीत लिया है जी, जीत चुके हैं। सभी व्यूअर्स को बहुत 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 धन्यवाद करते हुए आप हमारे साथ लाइव स्ट्रीम से जुड़े, आज के दिन का ये दूसरा सबसे रोमांचक मुकाबला, बहुत ही शानदार मुकाबला रहा है, बहुत रोमांचक मुकाबले में पुजारली ने अपना एक और मैच निकाल दिया है, जिनको हम कह रहे थे कि ये अंडरडॉग्स है लेकिन इन्होंने बहुत बड़ी टीम को भेजा है वापस, बहुत शानदार बल्लेबाजी की है इन्होंने। इसके बाद भी बहुत बड़े बड़े मैचेस होने वाले हैं, आप सभी व्यूअर्स हमारे साथ इसी तरह से अपना आशीर्वाद देते रहिए, हम आपको अच्छे अच्छे मैच दिखा रहे हैं। अब मैच है चिलाला और डिसवानी, आप सभी दर्शक हमारे साथ जुड़े रहे, ये बहुत बड़ा मैच होने वाला है। ये भी इस समय हमारे साथ 111 जुड़े थे और आगे देखते हैं क्या कर पाते हैं। मिस्टर अजय और मिस्टर काकी ये दोनों एम्पायर थे इस मैच के, अगली स्ट्रीम तक हम थोड़ा समय लेंगे, तब तक के लिए सभी व्यूअर्स को कहेंगे अलविदा।